सचमुच ही बीत गया, बीत गया। अभी बाजू फैला के तो आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया उसने, मुझे कह रहा था अकमल मेरे गले मिल जाओ। अल्लाह का शुक्र मैं गले नहीं मिला, वरना मुझे ये साथ ही ले जाता। पाकिस्तान के अजीम अदाकार अली एजाज अपनी मिसाल आप थे। उन जैसा वर्सेटाइल कॉमेडियन अदाकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा नसीब ना हुआ। जो कदरो मंजिलत अली एजाज ने अपने करियर में पाई वो किसी और के नसीब में ना आ सकी। हुकूमत पाकिस्तान से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मौसूल करने वाले अली एजाज को अल्लाह पाक ने छप्पड़ फाड़ कर दौलत शोहरत और इज्जत दी। लेकिन इन सब के बावजूद वो दुनिया से रोते हुए चले गए। उनके बारे में सब यही कहते रहे कि उन्हें माली मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन ये मुश्किलात किस वजह से थीं इस बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की। अली एजाज को क्यों उनके अपने ही घर वालों ने नजरअंदाज करना शुरू किया था, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हुए और उनका दिल इस जुल्म की ताब ना लाते हुए हिम्मत हार बैठा। हम सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। अली एजाज पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार थे। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को उस वक्त में सहारा दिया जब वो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। उन्होंने बयक वक्त स्टेज, ड्रामा और फिर फिल्म के महाज को संभाला। अपनी लगन और मेहनत से इंडस्ट्री को अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद फराहम की, जिसके बदले में उन्हें फिर वो शोहरत और दौलत मिली जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वो देखते ही देखते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई मोतबर और सीनियर नाम बन गए थे, जो जूनियर फनकारों के लिए किसी दर्शगाह से कम नहीं थे। उनकी अदाकारी को देखकर बहुत से फनकारों ने मजाहिया अदाकारी में अपना नाम बनाया और आज वो कॉमेडी की दुनिया में अपना मकाम बनाए हुए हैं। अली एजाज बिलाशुबा इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। उन्होंने अपने तवील करियर में टीवी, फिल्म और थिएटर पर गिरा कदर काम किया और कामयाबियों को अपना मुकद्दर बनाया। एक शानदार करियर बनाने वाले अली एजाज पर यकदम जवाल आना शुरू हुआ। वो जमीन पर आ गिरे। उन्हें 12 साल कबल फॉलिश का हमला हुआ, जिसकी वजह से वो मफलूज होकर रह गए और उनकी तमाम फनी मसरूफियात ठप हो गईं, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात हुईं। ताहम उन्होंने इलाज के बाद फॉलिश से होने वाले असरात पर काबू पा लिया। फॉलिश के मोहलिक अटैक के बाद अली एजाज दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हुए और इंडस्ट्री में काम करने के लिए खुद को ताज़ा दम किया, लेकिन उनके लिए अभी मुश्किलात खत्म न हुई थी। सारी कोठी के फुल खा गया, घा खा गया, अठ अठ शेर शटाला खा के शर्क से दिल का मारदा। अली एजाज ने फिल्मों में कई हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन उनके दिल पर जिस हसीना ने राज किया वो पंजाबी फिल्मों की जट्टी अंजुमन थी, जिनके कई दीवाने थे। अली एजाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर अंजुमन की जुल्फों के असीर हो गए थे और इस बात का शक उनकी बीवी को हो गया था। उनके दिल में ये शकूक व शुभात जन्म लेने लगे कि अली एजाज अंजुमन में दिलचस्पी लेने लगे हैं। चुनाचे उन्होंने अली एजाज के साथ बिगाड़ना शुरू कर दी। वो के साथ इंतहाई खराब बर्ताव करती और सीधे मुंह बात ना करती, जिसका अली एजाज को शदीद रंज होता और इस वजह से घर की फजा खराब रहती। अली एजाज ने जिस खातून से शादी की थी वो इंडस्ट्री की नहीं थी, चुनाचे वो अली एजाज की फनी मसरूफियात के साथ खुद को एडजस्ट करने में बुरी तरह नाकाम रही। चूँकि अली एजाज अपने वक्त के मकबूल तरीन अदाकार थे, लिहाजा उनसे घर पर मुलाकात करने के लिए न सिर्फ अदाकार बल्कि अदाकाराएं भी आती थी, जिनके साथ वो खूब बातें करते थे। उनके घर इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों की महफिलें जमती थीं। ये सब कुछ उनकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो इस बारे में अली एजाज से शिकवा करती कि औरतों का इस तरह से घर में आकर आपको मिलना मुनासिब नहीं, जिस पर अली एजाज हमेशा यही जवाब देते कि मैं चूंकि एक्टर हूँ इसलिए ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब अली एजाज की बीवी ने देखा वो अपने मामलात में रोक टोक के बावजूद आगे बढ़ते जा रही है, तो उन्होंने न सिर्फ खुद को उनसे दूर किया बल्कि जवान होते बच्चों के कानों में भी अपने वालिद के खिलाफ जहर भर दिया, जिसकी वजह से वो भी अपने वालिद से मुतनफर होते चले गए और अपनी वालिदा के साथ मिल गए। उन्हें अपने वालिद जालिम और वालिदा मजलूम दिखाई देती, जिसकी वजह से घर का माहौल रोजाना की बुनियाद पर खराब रहने लगा, जिसकी वजह से अली एजाज परेशान रहने लगे। उन्हें इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिल रहा था, जबकि दूसरी तरफ उनका घर जन्नत की बजाय जहन्नम की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जहाँ उनके लिए एक एक पल गुजारना दो भर हो जाया करता था।
घर के हालात और बच्चों के रवैये ने उन्हें इस कदर परेशान किया कि वो दिल के मरीज बन गए। उन पर इस कदर हालात तंग किए गए कि वो अपने घर में गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद रिक्शे में सफर करते थे। उनकी बेगम उनके साथ नारवा सलूक करती थी, बेटे उन्हें इज्जत नहीं देते थे जिनके लिए अली एजाज ने सारी जिंदगी कमाया था, मेहनत की। उन्होंने अली एजाज को ये सिला दिया कि उनकी जमा पूंजी से महरूम कर दिया, जिसका उन्हें बेहद गम था। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनके हार्ट अटैक की वजह भी ये हालात थे, जिन्होंने जीते जी उनके जिस्म से रूह खींच ली थी और उन्हें मौत से पहले ही कब्र जैसी तन्हाइयों में धकेल दिया था। वो सिसक सिसक कर बिलाखिर अपने खालिक के पास पहुंच गए। उन्होंने जिस अजीम शान और रूस के बाद इबरतनाक जवाल देखा, वो बिलाशुबा रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अली एजाज की वफात के बाद उनकी बेवा और बेटे, जिनकी आंखों पर इस कदर गफलत की पट्टी बंधी हुई थी, वो बिलाखिर खुल गई। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उनके गलत रवैयों की वजह से पूरे पाकिस्तान को हंसाने वाला रोता हुआ दुनिया से चला गया। उनकी बेवा और बच्चे उनके आखिरी वक्त में तो उनकी खिदमत करने का शर्फ हासिल न कर सके। अलबत्ता उनके बारे में बताया जाता है कि वो बाकायदगी से अली एजाज की कब्र पर आते हैं, उसकी सफाई सुथराई के साथ साथ उनकी बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। लाहौर में सन 1941 में पैदा होने वाले अली एजाज ने फिल्मी करियर का आगाज सन 1961 में फिल्म इंसानियत से किया। बाद अजां आपने मुतादिद फिल्मों में काम किया, ताहम साला साहब और सन 1989 में पेश होने वाली दुबई चलो ऐसी फिल्में थीं जिसके बाद उन्होंने तरक्की के मनाजिल को तय करना शुरू किया। दूसरी तरफ उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपनी सलाहियतों का लोहा बतौर मजाहिया अदाकार मनवाया। ख्वाजा एंड सन्स, खोजी और शीदा टल्ली में आपका काबिले जिक्र किरदार रहा, जिसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। आपने अनगिनत पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें मुफ्त, बुरा, दादा उस्ताद, प्यार दा बदला, यमला जट, बद नालो बदनाम बुरा, साधु और शैतान, लैला मजनू, सिद्धा रस्ता, बादल, मिस्टर अफलातून, नौकर ते मालिक, बाऊजी, अंधेर नगरी, चोर मचाए शोर, भरोसा, इश्क समुंदर और दीगर ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। ताहम साला साहब और सन 1979 में पेश होने वाली दुबई चलो ऐसी फिल्में थीं जिसके बाद उन्होंने तरक्की की मनाजिल को तय करना शुरू किया। दो मजाहिया अदाकार नन्ना और अली एजाज की जोड़ी ने सन 1980 की दिहाई में मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। शोबिज इंडस्ट्री में खिदमात का एतराफ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 14 अगस्त 1993 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी के अवार्ड से नवाजा। इलावा अजीम उनको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने तकरीबन 89 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। किरदार चाहे मजाहिया हो या संजीदा, उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा हर मैदान में मनवाया और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। अली एजाज अदाकारी के साथ साथ समाजी कामों में भी मसरूफ रहे। लाहौर में मुअम्मर अफराद के लिए अली एजाज ने एक एनजीओ भी कायम की, अली एजाज फाउंडेशन के तहत जौहर टाउन में 11 किनाल पर मुश्तमिल एनजीओ का कयाम अमल में लाया गया। अली एजाज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और थिएटर का इंतहाई कीमती और नागुजीर सरमाया थे। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उनकी फनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है अल्लाह पाक अली एजाज के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इतनी देर हो गई, आ ही नहीं रहा है। मेरा ख्याल है कंघी पट्टी कर रहा है। मैंने इसको मना भी किया था कि कंघी शंगी अब छोड़ दो, इस उम्र में अब तुम गीला कपड़ा मारा करो।